हेलो फ्रेंड्स, मिंटीज किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू मटर की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो घर के कुछ सामानों से तैयार होगा और टेस्ट ऐसा होगा कि बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। और इसे हम रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ या चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। और इसे आप जब बनाएंगे घर पर तो सभी इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को। इस सब्जी को बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे, और इसमें हम सरसों तेल डालेंगे जरूरत के हिसाब से। मैं यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, ओलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले एक लाल मिर्च डाल देंगे और 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, और इसमें 2 रफली चॉप प्याज डाल देंगे। 2-3 मिनट तक चला लेंगे गुलाबी होने तक, प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा, यहाँ पे एकदम हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, नहीं तो प्याज जल जाएगा। ये देखिए प्याज हमारा इस तरह का हुआ। अब यहीं पे हम सारे मसाले को ऐड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से स्वादानुसार डालें और इसे हम चला लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो रहेगा, मसाला जले ना। और यहीं पर हम 1 कटोरी मटर डाल देंगे। ये फ्रेश मटर है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टमाटर डाल देंगे, ये चॉपर से चॉप किया हुआ टमाटर है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाकर भी टमाटर को डाल सकते हैं। टमाटर को अगर हम क्रश करके डालते हैं या पेस्ट बनाकर डालते हैं तो सब्जी का कलर बहुत खूबसूरत आता है। अब इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे और ढक देंगे 3-4 मिनट तक। 3-4 मिनट हो चुका है, अब हम अपने मटर को देख लेते हैं ये किस पोजीशन में है। ये देखिए मटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहीं पे हम वाइल्ड आलू डालेंगे। ये आलू को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे, इसे मैशर से हम चूर करके नहीं डालेंगे, नहीं तो बिल्कुल एकदम बारीक हो जाएगा। देखिए इस तरीके से डालेंगे, एक एक करके हम चूरते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम बारी बारी से सारे आलुओं को हाथों से चूर कर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम आलुओं को बॉयल किया था, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आलुओं को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, इसे प्रेशर कुक करें 2 विसिल तक मीडियम फ्लेम पे, और गैस हम खुद ब खुद रिलीज होने देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच होममेड सब्जी मसाला डालेंगे। सब्जी मसाला की रेसिपी हमारे चैनल पे पहले से डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसमें हम होममेड 1/2 चम्मच गरम ममसाला डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जी का कलर बहुत खूबसूरत आता है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इन सब्जियों को हम अच्छी तरीके से अब चला लेंगे और फ्लेम एकदम मीडियम टू लो पर ही रखना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे। थोड़ा सा चीनी डालने से सब्जियों का जायका एकदम से खुल कर आता है, इसे ज़रूर से डालें। अब हम इन सब्जियों में पानी डाल देंगे, पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से डालना है। और हाँ, यहाँ पे मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, गर्म पानी डालने से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर से इन सब्जियों को हम चला लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम अपनी सब्जियों को ढक देंगे बॉयल आने तक मीडियम फ्लेम पे। बॉयल जब आ जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, सब्जियों में बॉयल आ चुका है। अब हम फिर से चला लेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि तेल सरफेस पे आ जाए। और यहाँ पे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, ये रोस्ट किया हुआ है। चारों तरफ से अच्छी तरीके से छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर से हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया छिड़क देंगे। धनिया पत्ता छिड़कने से सब्जियों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब इसे हम अच्छी तरीके से फिर से चला लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर आपस में घुल मिल जाए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, और स्वाद का तो क्या कहना। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे
ताकि इसकी खुशबू इसी में सिमट कर रहे। वाह, क्या खूबसूरत कलर आया है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू मटर की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरीके से बनाएं, ये आपकी फैमिली को बहुत बहुत पसंद आएगी। इसे बनाएं, खाएं, खिलाएं और तारीफ पाएं। मेरी रेसिपीज अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।